वेलकम बैक टू टूटू की रसोई। पर आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ लेफ्ट ओवर रोटीज पिज्जा। तो चलिए देखते हैं किस पिज्जा को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। मैंने यहाँ लिया हुआ है 2 बची हुई चपाती, 1/2 कप फाइनली चॉप्ड अनियन, 1/2 कप फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, 1/2 कप फाइनली चॉप्ड टमाटोज, 1/2 कप पिज्जा सॉस, 1/2 कप मोज़रेला चीज, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स एंड चिली फ्लेक्स। मैंने इनको मिक्स करके रखा हुआ है। मेरे पास ऑलिव्स नहीं थे इसीलिए मैंने ऑलिव्स नहीं यूज किया। अगर आपके पास है तो आप उसे यूज जरूर करना। अब हम एक प्लेट में चपाती रखकर उसके ऊपर पिज्जा सॉस को स्प्रेड कर लेते हैं। इसके ऊपर कटे हुए अनियंस, कैप्सिकम, टमेटोज, मोज़रेला चीज, चाट मसाला पाउडर, मिक्स हर्ब्स एंड चिली फ्लेक्स। वापस से हम इसके ऊपर ये दूसरी चपाती रखकर इसके ऊपर भी सॉस स्प्रेड कर लेते हैं। Again, finely chopped onion, capsicum, tomatoes, chaat masala powder, chili flakes and mixed herbs, and mozzarella cheese. अब हम यहाँ एक पैन को गैस के ऊपर रखकर गरम कर लेते हैं और इस चपाती को इसमें रखकर 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब ये पिज्जा भी रेडी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश